शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नगरीय विकास मंत्री सुरेश खन्ना, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडियन, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह सहित सभी अभियंता और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी ने गोरखपुर महानगर और जिले में जितने भी नगर निकाय हैं उनमें स्वच्छता अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन परिवार में व्यक्तिगत शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय उपलब्ध कराने, ऊर्जा संरक्षण के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट को बढ़ावा देने और सिटी बस सेवा, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किए जाने के निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, चलो भाग चलो। आराम से आराम अपने देश के लिए कोई भी प्रेम नहीं है क्या? ये राष्ट्रीय बचत नहीं है अगर हम ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं? क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है? क्यों कोई एलईडी स्ट्रीट लाइट या कोई भी स्ट्रीट लाइट का अपव्यय करें? और कम से कम ये 5-6 जो क्षेत्र हैं इसमें नगर निकायों को विशेष रूप से पहल करके आगे बढ़ना होगा। और आज इसीलिए हम लोग आए हैं नगरीय क्षेत्रों में बातचीत करने के लिए। वैसा नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके आने के बाद नगर विकास जो पहले 0 पर था, आज उनके प्रयास से 4,12,000 के लक्ष्य को प्राप्त करके पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया है। लेकिन ये 4,12,000 ही क्यों? विभागीय मंत्री आपको नेतृत्व दे सकता है लेकिन नगर निकाय के क्षेत्र में तो प्रयास आप लोगों को करने हैं। यानी जो 5-6 कार्य हैं केवल इसी को आप करने हैं, एकदम तस्वीर बदल जाएगी आपके नगर निकाय की, एकदम बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। लेकिन कुछ भी प्रयास नहीं होता। पीपीगंज है या पिपराइच है या मुडेरवा बाजार है या सैजनवा हो या पांच गांव हो या गोरखपुर नगर ही क्यों ना हो, अगर प्रातः उठ करके एक बार आप राउंड ले लें और अलग अलग वार्डों के लिए एक एक व्यक्ति को नोडल अधिकारी बना लें, सुबह के लिए भी सायंकाल के लिए भी, सुबह सफाई के लिए और कूड़ा उठाने के लिए, सायंकाल सफाई कूड़ा निस्तारण के साथ साथ लाइट की चेकिंग करने के लिए, एकदम बदलाव दिखाई देगा आपका नगर। स्तर पर थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए ही मैंने पहले चरण में आज गोरखपुर के सभी जितने भी हमारे नगर निकाय हैं इन सबको मैंने यहाँ पर बुलाया है। नगर विकास मंत्री को मैं स्वयं अपने साथ लेकर के आया हूँ। देखिए आज
यहाँ पर गोरखपुर महानगर के साथ साथ जितने भी नगर निकाय हैं उन नगर निकायों में स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं उनको व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट को बढ़ावा देने, सिटी बस सेवा, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर अभी संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास आय का कोई स्रोत नहीं, 3 लाख से कम वार्षिक जिनकी आय है, उनके पास जमीन है लेकिन मकान नहीं है या मकान जर्जर है, ऐसे परिवारों को 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से, 1 लाख रुपए प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी 2.5 लाख रुपए का अनुदान देकर के प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें आच्छादित करने का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4,12,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अनुदान की राशि उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार से शौचालय के लिए शहरी क्षेत्र में 20,000 रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश ने एलईडी स्ट्रीट लाइट पूरे प्रदेश के अंदर 16 नगर निगमों में 15 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगने हैं, जिसमें अब तक 5,80,000 से ऊपर एलईडी स्ट्रीट लाइट हम बदल चुके हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को रोकने, विद्युत की बचत को करने और साथ ही साथ लोगों को एक समरूप विद्युत की लाइट उपलब्ध कराने में भी इससे काफ़ी मदद मिलती है। अब तक जो स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने लगाए हैं इसमें प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की राजस्व की बचत होगी, ऊर्जा का संरक्षण भी इसके माध्यम से होगा और कार्बन उत्सर्जन से भी हम बड़ी मात्रा में पर्यावरण संरक्षण इसके माध्यम से कर सकते हैं। और उसी के लिए मैंने आज नगर निकाय के अपनी सभी बॉडीज़ को यहाँ पर कहा है कि वे लोग एलईडी स्ट्रीट लाइट को बढ़ावा देने का कार्य करें और ख़ासतौर पर नगरीय क्षेत्रों में तो ESL के माध्यम से हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है, एक अच्छा प्रयास हुआ है। विकास लोगों की आवश्यकता है, बुनियादी सुविधाएँ लोगों को मिलनी चाहिए। आज जब केंद्र और प्रदेश सरकार इन सुविधाओं को लेकर के जनता के पास उपलब्ध करवाना चाहती है तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो आम जनमानस इन सुविधाओं से लाभान्वित होगा, एक बेहतर प्रयास है।